नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज एमसीएक्स ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने एक नया ऑप्शंस नया इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया है जिसको कहते हैं क्रूड ऑयल मंथली ऑप्शंस। तो आज 15 मई वाले दिन 15 मई को ही क्रूड ऑयल के ऑप्शंस लॉन्च हुए हैं। तो उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा ताकि जो लोग नए हैं जिनको कुछ बेसिक डिटेल्स बेसिक आइडिया चाहिए क्रूड ऑयल ऑप्शंस के बारे में तो वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसकी लॉन्च डेट जो है ऑप्शंस की वो 15 मई 2018 को लॉन्च हुआ है। ये क्रूड ऑयल के मंथली ऑप्शंस, मतलब इसकी हर मंथ नए नए ऑप्शंस आएंगे। इनकी एक्सपायरी जो है एवरी मंथ के एंड में रहती है। ठीक है, इसकी जो स्ट्राइक प्राइसेस रहती है, इसकी स्ट्राइक प्राइस जो है क्रूड ऑयल के ऑप्शंस की वो एवरी 50 रुपीज़ के डिफरेंस में रहेगी। ठीक है, थर्ड चीज है कि जो लॉट साइज होता है इस पर्टिकुलर ऑप्शन का वो 100 बैरल्स का होगा। मतलब अगर आपका 1 रुपया ऊपर जाता है ऑप्शन तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, अगर आपका 1 रुपया नीचे जाता है तो आपको 100 रुपीज़ का लॉस होगा। इसकी जो टिक साइज इसके अंदर होती है, जो बिड एंड ऑफर के बीच में जो टिक साइज, जो मिनिमम टिक साइज में आप इसमें बाइंग एंड सेलिंग के ऑर्डर्स लगा सकते हैं, वो है 0.10, मतलब कि 10 पैसे। सो मिनिमम दो लेवल्स के बीच में 10 पैसे का डिफरेंस रहेगा। तो इसकी जो टिक साइज है वो 0.10 है। और इसकी जो एक्सपायरी है वो जनरली जो फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है उसके 2 दिन पहले इसकी एक्सपायरी कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये महीने का ऑप्शन है, जून का जो ऑप्शन है, तो उसकी जो एक्सपायरी होगी उसके 2 दिन पहले ऑप्शन की एक्सपायरी की जाएगी। अब खास इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर मार्जिन्स क्या क्या लगते हैं आपको अगर बाइंग करने हैं ऑप्शंस में या सेलिंग करना है क्रूड ऑयल के ऑप्शन में। तो अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ जो है ब्रैकेट ऑर्डर्स, कवर ऑर्डर्स, इंट्राडे और MIS ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स ब्लॉक करे हुए हैं मोस्ट ऑफ दी ब्रोकर्स ने। खैर, मैं दो ब्रोकर्स के साथ मैं डील करता हूँ, एक जीरोदा और एक अपस्टॉक। तो दोनों ब्रोकर्स ने इंट्राडे और ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर्स डिसेबल करे हुए हैं क्रूड ऑयल ऑप्शंस के लिए। हो सकता है बिकॉज ये अभी नया नया ऑप्शन है, इसमें जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे शायद इसके अंदर बेस्ड ऑन द रिस्क पैरामीटर्स उनकी RMS टीम जब तक उसको अप्रूव नहीं करती तब तक इंट्राडे, MIS और ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं होंगे क्रूड ऑयल ऑप्शंस के अंदर। तो फिलहाल आप सिर्फ डिलीवरी के अंदर काम कर सकते हैं और डिलीवरी के लिए आपको अगर कोई किसी ऑप्शंस को सेल करना है तो आपका जो डिलीवरी में जो मार्जिन लगेगा ऑप्शन सेलिंग के लिए वो तकरीबन 42,000 से 50,000 के बीच में रहेगा। अगर आप क्रूड ऑयल के ऑप्शंस बाय करना चाहते हैं तो आपका जो मार्जिन है वो तकरीबन आपका जो भी ऑप्शंस का जो प्रीमियम है उस प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 100 का आपको चार्जेस लगेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं अपने जीरोदा और अपस्टॉक टर्मिनल में कि किस तरीके से आप क्रूड ऑयल के ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं मेरे अपस्टॉक ट्रेडिंग टर्मिनल पे। ये है मेरा अपस्टॉक का ट्रेडिंग टर्मिनल। पहले ही मैं यहां से सारी चीजें डिलीट कर देता हूं, सारी वॉच लिस्ट में अपनी एम्प्टी कर देता हूं। यहां से मैं एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड करूंगा, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी तकरीबन चल रहा है 4849 और 39, मतलब 4800 4900 के बीच में चल रहा है। तो हम इसकी क्रूड ऑयल की 4900 की जो कॉल है और पुट है वो हम देखेंगे। ये देखिए, मैंने क्रूड ऑयल 4900 टाइप किया तो यहाँ पे क्रूड ऑयल 15 जून का 2018 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आ गया है। मई का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि मई अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है 2-4 दिन के अंदर, तो मई के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जून के कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, और आपके जुलाई के भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको जो लिक्विडिटी मिलेगी वो मोस्टली एट द मनी ऑप्शंस में मिलेगी और करंट मंथ के ऑप्शंस में ही मिल पाएगी। तो अभी हम 4900 का कॉल ऐड करते हैं, साथ ही साथ हम थोड़ा सा नीचे 4800 का पुट को भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब ये देखिए, ये जो मैंने 4900 का जो कॉल था, ये इसकी अभी प्राइस चल रही है 126 रुपीज़, सॉरी 129 इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। बिड और ऑफर जो है अभी 126.30 और 126.90। तो जनरली इसके अंदर लिक्विडिटी, आज पहला दिन है और अगर मैं कंसिडर करूँ तो पहले दिन के हिसाब से भी इसमें काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है कि यहाँ पर आपको हर एक डेप्थ के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं और हर एक लेवल पे एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, पांच क्वांटिटी लोग लेने और बेचने के लिए खड़े हैं। खैर, जैसे जैसे समय बीतेगा हो सकता है लोगों के पार्टिसिपेशन बढ़ता जाए, जैसे जैसे लोगों को क्रूड ऑयल ऑप्शंस के बारे में नॉलेज मिलेगी हो सकता है और ज़्यादा प्लेयर्स इस मार्केट में पार्टिसिपेट करें तब जाके और ज़्यादा अच्छी हमको इसके अंदर लिक्विडिटी मिल पाएगी।
अभी आप देख सकते हैं 126.30 और 126.50, ये 20 पैसे का स्प्रेड है बीच में, जो कि काफ़ी अच्छा स्प्रेड माना जाता है, मतलब एक काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी कंसिडर की जाएगी उस केस में। तो यहाँ पे मैं आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको अपना मार्जिन बता देता हूँ। देखिए, ये मैंने कमोडिटीज़ के अंदर जो है, कमोडिटीज़ के अंदर भी मैंने फिलहाल जीरो बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, जस्ट टू शो यू कि इसके अंदर कितना मार्जिन लगता है। तो हमें क्या करेंगे, हम सीधा हम ब्लैंक ऑर्डर लगाएंगे, हम पहले सेलिंग का ऑर्डर लगाते हैं। तो मैं सेलिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पे इंट्राडे ऑर्डर लगा के बताता हूँ। इंट्राडे अगर मुझे 125 के अंदर मुझे सेल करना है, तो ये मेरे ऑर्डर्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ऑर्डर रिजेक्ट हो गए बिकॉज ये जो है इसको ब्लॉक किया गया है MIS के अंदर, मतलब इंट्राडे के अंदर आप ऑप्शंस को सेल नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको इसके अंदर कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर लगा के बता देता हूँ। जैसे अगर मैं ब्रैकेट ऑर्डर लगाता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 125 का सेलिंग लगाता हूँ विथ 5 रुपीज़ स्टॉप लॉस एंड 5 रुपीज़ टारगेट। ठीक है, तो ये भी देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर्स भी जो है वो रिजेक्ट हो गए बिकॉज इंट्राडे में ब्रैकेट ऑर्डर्स, कवर ऑर्डर्स और ये अलाउड फिलहाल एनेबल नहीं किए गए हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स रिजेक्ट हो गए। अब मैं आपको इसके अंदर जो है डिलीवरी में लगा के बताता हूँ, जिससे कि हमें थोड़ा समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं डिलीवरी में लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं 125 का ऑर्डर लगा देता हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने ऑर्डर लगाया, तो देखिए यहाँ पे IRR आ रहा है कि आपको रिक्वायर्ड है 43,330 रुपीज़ और आपके अकाउंट में अभी बैलेंस है जीरो, क्योंकि मैंने जानबूझ के अकाउंट में बैलेंस जीरो रखा है, ताकि मैं पहले समझ सकूं कि इसके अंदर कितना मार्जिन लगता है, कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ताकि उस हिसाब से मैं अपने मार्जिन को अवेलेबल और अरेंज कर सकूं। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है कि डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। जैसे 125 का था, तो इसमें तकरीबन 43,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड था। अगर मैं आपको यहाँ पर इससे बड़ा वाला, अगर जैसे क्रूड ऑयल का 4,800 का, अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाऊँ कॉल, 4,800 का अगर हम ऑप्शन ऐड करते हैं, ये 175 रुपीज़ है। तो शायद 175 वाले अगर ऑप्शन को मैं अगर सेल करना चाहूँगा, तो हो सकता है मुझे शायद ज़्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट हो। अब मैं 180 रुपीज़ में इसको सेल कर रहा हूँ डिलीवरी के अंदर, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 49,000 मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेल करने के लिए, मुझे 49,411 रुपीज़ चाहिए। तो तकरीबन ये बेस, इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेल कर रहे हैं, उसकी क्या प्रीमियम चल रहे हैं, उसके बेसिस पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब सिमिलरली यह देखिए, यहाँ पे ये पुट भी है, 4,800 की पुट है ये, और इसकी प्राइस भी तकरीबन 105 106 चल रही है। सपोज अब मुझे इसको बाय करना है, अगर मुझे इसे बाय करना है, तो अगेन इंट्राडे में ये आपको अलाउ नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। और अगर मुझे डिलीवरी में करना है, तो मैं सपोज 100 रुपीज़ में इसको बाय करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कैलकुलेशन कितना ईजी है इसका। अब मैं 100 रुपीज़ में इसको बाय करना चाहता हूँ, और 100 रुपीज़ का ही 100 का ही लॉट है। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल आपको 1,000 रुपीज़ की रिक्वायर 10,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट, क्योंकि 100 का लॉट है और 100 में आप बाय करना चाहते हैं, तो 100 × 100 होता है 10,000 रुपीज़। तो आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो है 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे काइट, अपने काइट के अंदर लॉग इन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा काइट का ट्रेडिंग टर्मिनल है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस, ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे कॉल ऐड करके रखी हुई है, तो आपको यहाँ पे आके सबसे पहले सर्च करना है क्रूड ऑयल 4,800 की कॉल। ठीक है, जून की, अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है 4,800 की कॉल, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। और 4,800 की जो कॉल है वो 172 रुपीज़ चल रही है। अब यहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करके देख लेते हैं। फिलहाल एक्चुअली जीरोधा ने अभी तक इसके अंदर शायद से बाइंग एंड सेलिंग अलाउ नहीं करी है, तो लेट्स सी वेदर उन्होंने सुबह तक की अलाउड नहीं थी, अभी शाम को शायद अलाउ कर दी हो। सो लेट्स ट्राई एंड पुट दी ऑर्डर्स। इसने रिजेक्ट कर दिया है, और रिजेक्ट में बेसिकली इन्होंने ब्लॉक ही करके रखा हुआ है। तो अभी तक जीरोधा में आप ऑप्शंस ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ट्रेडिंग अलाउड नहीं हुई है, बाइंग एंड सेलिंग अलाउ नहीं करी अभी तक जीरोधा ने। तो ये बाइंग एंड सेलिंग भी जल्दी ही अलाउड हो जाएगी, हो सकता है 1 दिन 2 दिन, शायद 1 हफ्ते के अंदर, जैसे ही RMS टीम का उनको अप्रूवल हो जाएगा, तो उसके बाद में शायद यहाँ पर भी क्रूड ऑयल की ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपस्टॉक और जीरोधा के अंदर आप क्रूड ऑयल ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ डिटेल्स बता दी कि इतनी मार्जिन रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये सारे उसके पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए ऑप्शंस के अंदर काम करने के पहले।
और अगर आपका अकाउंट नहीं है और जीरोधा या अपस्टॉक के अंदर, तो आप मेरी वेबसाइट पर आके यहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है ओपन अकाउंट इन जीरोधा पे, लिंक दिया हुआ है ओपन अकाउंट इन अपस्टॉक, और यहाँ पे लिंक दिया ओपन अकाउंट इन फायर्स। तो आप उन सारे लिंक्स पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको स्क्रीन पे लिंक्स फ्लैश हो रहे हैं। जीरोधा अकाउंट ओपनिंग के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं, आरकेएस या अपस्टॉक के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं, और फायर्स के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी वेबसाइट पे जाके, ये तीनों लिंक्स बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं, आपको फर्दर डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी डिटेल्स, ये सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। और जाने से पहले आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, इस गर्मी के सीज़न में जितनी ज़रूरत हमें है पानी की, उतनी ही ज़रूरत ऐसे बहुत से भगवान द्वारा बनाए हुए जीव है, पक्षियाँ हैं। तो हो सके तो अपने घर के बाहर, अपने बंगलों के बाहर, अपने घर के आंगन के बाहर, अपने फ्लैट की बालकनी के बाहर, अगर हो सके तो एक छोटे से जार में, एक छोटे से पॉट में आप पानी रखने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके इस छोटे से स्टेप से ऐसे बहुत सारे पक्षी होंगे जिनकी प्यास बुझेगी। और ये जो काम होता है ये बहुत ही अच्छे कामों में से गिना जाता है, तो कोशिश कीजिए। मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है, मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है। शहर जुड़ रहा है, बैंक अब सभी का खाता खोल रहा है, रेल का सफर अब मन को भा रहा है, हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है, मेरा देश मेरा देश मेरा देश,